अगर सब कुछ सही था तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने हर कदम पर झूठ बोला, यहां तक कि जन्म स्थान से लेकर उसके असली नाम तक। हाँ, ये सोनिया गांधी के बारे में है। बता दें कि सोनिया गांधी की शादी पूर्व पीएम राजीव गांधी से हुई थी। उनका कहना था कि वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन वहां सोनिया नाम की कोई स्टूडेंट्स थी ही नहीं। यहां तक कि उनके असली नाम की भी कोई स्टूडेंट नहीं थी। एक रिटायर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में यह खुलासा हुआ है। बता दें कि मलय कृष्णधर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी है। उन्होंने इस किताब में लिखा कि इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी रूस की जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे। केजीबी ने इसके लिए मोटी रकम देता था। मलय कृष्णधर ने उनकी किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पब्लिक सीक्रेटों को प्रकाशित किया है। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी गई जासूस है। वर्ष 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी द्वारा $2 बिलियन यानी कि 94 करोड़ रुपए राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किए गए थे, जो कि सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था। स्विस न्यूज मैगजीन में भी यह दर्शाया गया था कि केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी गई। अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, वैज्ञानिकता और टेक्नोलॉजी विकास सहित हमारी व्यापारिक गतिविधियां रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक तरह से खुले किताब के समान हो जाती। इटालियन माफिया भारतीय इंडस्ट्रीज और व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लेता, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता। कृष्णधर द्वारा जुटाए गए कुछ सबूत सोनिया गांधी को रशियन एजेंट साबित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय इंदिरा गांधी को भी केजीबी द्वारा मोटी रकम मिलती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के चहेते राजीव और सोनिया को पाकिस्तानी बैंकर द्वारा रकम दी जाती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु रूस पर उंगली उठाती है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से ताशकंद में मुलाकात की और नो वॉर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी अगले ही दिन रहस्यमयी मृत्यु हो गई और इससे जुड़े सारे सबूत मिटा दिए गए। संजय गांधी की मृत्यु से जुड़े सबूत भी सोनिया गांधी को संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं। संजय गांधी को केजीबी के कहने पर मारा गया था ताकि राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री हों। राजीव गांधी की मृत्यु श्रीलंका के आतंकी समूह लिट्टे, जिसे ईसाई समूह द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है, द्वारा हुई थी। बता दें कि राजीव गांधी को 21 मई 1991 को तमिलनाडु में 24 वर्षीय धनु नामक रोमन कैथोलिक महिला, जिसका असली नाम क्लेबथी था, के द्वारा आत्मघाती बम द्वारा उड़ा दिया गया था। राजीव गांधी को मार दिया गया तो बाहरी जासूसी एजेंसियों ने सोनिया गांधी को बढ़ावा देने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। सोनिया की लीडरशिप के लिए संभावित खतरों को एक एक करके शानदार तरीके से दुर्घटनाओं को प्राकृतिक रूप देकर हटा दिया गया, जो कि केजीबी की विशेषता है। कैथोलिक्स रविवार को विशेष मानते हैं और सोनिया गांधी के सभी खतरों को रविवार को ही खत्म कर दिया गया। राजेश पायलट की रोड एक्सीडेंट में रविवार को मौत हो गई। जितेंद्र प्रसाद रविवार को ब्रेन हेमरेज से मारे गए। माधव रविवार के ही दिन प्लेन क्रैश में मारे गए। कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भी प्लेन क्रैश में बाल बाल बचे थे। ये वो तमाम बातें हैं जो सोनिया गांधी को सवालों के घेरे में